हेलो दोस्तों, मेरा नाम इरफान डारगिर और हम आज करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग प्रोजेक्टर, एलईडी प्रोजेक्टर, एलईडी मिनी प्रोजेक्टर। तो ये है उसका बॉक्स। ये सब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं ये कैसा है। ये छोटा होम थिएटर जैसा है। ये है प्रोजेक्टर मेन चीज, ये सेल, ये रिमोट, रिमोट को रखते हैं साइड में। ये है इसकी ऑडियो वीडियो केबल, जिसको हम लोग इसमें कनेक्ट करके टीवी कनेक्ट कर सकते हैं, जो सादी टीवी होती है। और ये इसका रिमोट ठीक ठाक है। ये है इसके पावर अडेप्टर, इसको कनेक्ट करके इसमें पावर दिया जाता है। ये है प्रोजेक्टर हमारा। यह है इसका यूज़र मैनुअल, यूज़र गाइड, इसमें बताया गया है कैसे कैसे यूज़ करना है। आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं इसको, बाद में मैं इसको चला के भी दिखाऊंगा। अभी देख लेते हैं। ये इसकी स्क्रीन है, ये इसका जूम आउट, जूम इन, यहाँ पर छोटे छोटे बटन दिए गए हैं। ये पहला ऊपर जो है पावर ऑन ऑफ का है। यहाँ पर HDMI और ये USB। यहाँ पर इसके साथ ही में स्पीकर दिया गया है छोटा सा। यहाँ पर फैन है अंदर, छोटा सा फैन है जिससे ये ज़्यादा गर्म नहीं होगा। यहाँ पर मेमोरी कार्ड है और ये स्टैंड के साथ में हम लोग लगा सकते हैं एडजस्ट करने के लिए। तो आइए अभी हम इसको चला के देखते हैं कैसा चलता है, कैसा क्लियरिटी है। ये चालू हो गया है, ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, मीन्स जैसा प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक है। और अभी इसमें मैंने लगाया हूँ अपना पेन ड्राइव, तो ये पेन ड्राइव से चला रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे टीवी का HDMI जो केबल है वो बहुत छोटा है, तो यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, इसलिए मैं ये पेन ड्राइव लगाया हूँ। पेन ड्राइव लगा के आपको बता रहा हूँ मैं। तो हम लोग अभी कोई भी मूवी चला के देखते हैं इसमें कैसी क्लियरिटी है। इसकी क्लियरिटी भी ठीक ठाक है, मतलब अभी 3500 में, ठीक है, पैसों के हिसाब से क्लियरिटी भी ठीक ठाक है इसकी। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन का घंटा भी दबा देना। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।